तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्मन शेपर्ड दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स में से एक है, लेकिन फिर भी मैं आज ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो कि मेरे से एक बड़ा ही सरप्राइजिंग सा क्वेश्चन करते हैं। एंड इनफैक्ट उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जर्मन शेपर्ड ब्रीड को ओन कर चुके होते हैं, यानी कि जर्मन शेपर्ड ब्रीड को रख चुके होते हैं अपने पास, लेकिन फिर भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब वो काइजर को देखते हैं कि क्या आपका डॉग एक सिंगल कोट जर्मन शेपर्ड है। सो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जर्मन शेपर्ड में सिंगल कोट एंड डबल कोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जितने भी जर्मन शेपर्ड्स होते हैं वो सभी डबल कोट जर्मन शेपर्ड्स होते हैं, यानी कि इनके दो तरह के कोट होते हैं, एक अंडर कोट होता है एंड एक अपर कोट होता है। जो अपर कोट होता है इनका वो थोड़ा सा थिक होता है एंड थोड़ा सा कोर्स होता है, एंड इसके अलावा जो अंडर कोट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, काफ़ी फ्लफी सा एंड काफ़ी डेंस होता है। आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे हस्की डॉग के या फिर जर्मन शेपर्ड डॉग्स के, जिसमें दिखाया जाता है कि उनकी कॉम्बिंग करते समय या फिर उनको जब आप ब्रश करते हैं अपने डॉग के तो बहुत सारे बाल शेड होते हैं। सो वो जो बालों की शेडिंग होती है वो बेसिकली डॉग का अंडर कोट होता है, एंड ये गर्मियों के टाइम पर डॉग की शेडिंग ज़्यादा होती है। बिकॉज जो अंडर कोट होता है, जो काफ़ी डेंस होता है एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लफी सा सॉफ्ट सा होता है, वूली टाइप होता है, उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि डॉग को ठंड से बचा के रखना है। एंड जैसे ही जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वो जो कोट होता है, अंडर कोट होता है डॉग का, वो अपने आप ही शेडिंग उसकी स्टार्ट होने लग जाती है। नॉर्मली अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का एक ब्रश यूज़ करते हैं, एक जो करेक्ट ब्रश होता है डॉग के लिए, जर्मन शेपर्ड या हस्की ब्रीड के लिए, उसको यूज़ करते हैं तो उससे ब्रशिंग करके आप डॉग के अंडर कोट को काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि आपके डॉग को गर्मी भी कम लगेगी। लेकिन इंडिया में मैंने ऐसा बहुत सारा देखा है, बहुत सारे वेट्स होते हैं या फिर जो पेट ग्रूमर्स होते हैं वो लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डॉग के बाल रिमूव करवा लीजिए, एंड बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि ट्रिमर को यूज़ करके उनके सारे बालों को रिमूव कर देते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, ये बहुत गलत है डॉग के लिए, क्योंकि जो डॉग का जो अपर कोट होता है, अंडर कोट तो आप ब्रश करके उसको रिमूव कर सकते हैं, उसकी शेडिंग भी हो जाएगी, लेकिन जो अपर कोट होता है उसका भी अपना एक फंक्शन होता है। एंड अगर आप डॉग के अपर कोट को भी रिमूव कर देते हैं तो आप अपने डॉग की जो स्किन होती है उसको आप एक्सपोज कर देते हैं, बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं आपके डॉग को, उसकी स्किन भी बर्न हो सकती है, हीट स्ट्रोक आपके डॉग को लग सकता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपके डॉग का जो कोट होता है, जर्मन शेपर्ड के जो कोट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको आप डॉग के जो बाल होते हैं उसकी लेंथ के बेसिस पर आप ज़रूर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो इसको आप तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्टॉक कोट, सेकंड इज़ प्लश कोट एंड द थर्ड वन इज़ लॉन्ग कोट। स्टॉक कोट को जनरली हम शॉर्ट कोट के नाम से जानते हैं, जिसकी लेंथ जनरली एक इंच के आसपास होती है। अगर आप डॉग के हेयर को देखेंगे तो एक इंच के आसपास होगी, ये आपकी एक इंच से थोड़ी कम भी हो सकती है किसी किसी बॉडी के एरिया में, या कहीं पर आपकी एक की सवा इंच भी हो सकती है। सो मैंने ऐसा कोई इंच टेप लेकर नापा नहीं है, बट मैं आपको रफली एक अपने एक्सपीरियंस या अपने आइडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके बाद जो प्लश कोट होता है, यानी कि मीडियम कोट, वो उसमें आप डॉग की हेयर की लेंथ अगर मेजर करेंगे तो वो लगभग 2 इंच के आसपास होगी, तो ये देखने में थोड़े से लंबे होते हैं बाल। एंड जो थर्ड टाइप होता है वो होता है आपका लॉन्ग कोट। अगर आपके डॉग के हेयर की लेंथ 2 इंच से भी ज़्यादा बड़ी है, ऐसे काफ़ी जर्मन शेपर्ड आजकल देखने को मिल रहे हैं एंड काफ़ी उनकी ब्रीडिंग भी की जा रही है, सो उसको आप लॉन्ग कोट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब इनमें से कौन सा कोट टाइप सबसे बेस्ट होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। सो आपको कौन सा कोट अपने लिए लेना चाहिए या कौन सा कोट प्रेफर करना चाहिए, वो सिंपली आपकी यूटिलिटी पे और आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। एंड कौन सा कोट किस सिचुएशन में या किसके लिए बेटर है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। सो अगर आप काइजर के कोट को ध्यान से देखेंगे तो ये एक शॉर्ट कोटेड जर्मन शेपर्ड है, एंड इस तरह के जर्मन शेपर्ड ज़्यादातर वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड में इस तरह के का कोट देखने को मिलता है, जिनका जो यूज़ होता है वो एक्सटेंसिवली ज़्यादातर आर्मी में या फिर आप पुलिस में देखेंगे, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इस तरह के डॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुलिस या आर्मी में या फिर आप बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने वाले डॉग्स की जो लाइफ होती है वो काफ़ी रफ़ एंड टफ़ टाइप की होती है, एंड उनको
उनको धूल मिट्टी में भी रहना पड़ सकता है, उनको घास में भी रहना पड़ सकता है, एंड हो सकता है वो भीग भी जाएं। तो शॉर्टकट होता है वो इजी टू मैनेज होता है बेसिकली, एंड उसको ज़्यादा ग्रूम करने की भी बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं शॉर्टकट में। एंड शॉर्टकट में कंपैरेटिवली जो डॉग होता है उसको गर्मी भी थोड़ी सी कम लगेगी फॉर ऑब्वियस रीज़न। एंड जैसा कि आप अगर नॉर्मली आर्मी या पुलिस में देखेंगे तो आप देखेंगे जो सोल्जर्स होते हैं या कमांडोज होते हैं उनके भी बाल काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप इस तरह के कोई रफ़ एंड टफ टास्क करते हैं तो जो लंबे बाल होते हैं वो आपकी फंक्शनैलिटी के साथ इंटरफेयर करते हैं ऑब्वियसली। ये मतलब कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी नहीं है जिसमें कि टाइगर श्रॉफ आएगा लंबे लंबे बाल लेकर, या फिर रैम्बो आएगा बहुत लंबे बाल लेकर और पूरी आर्मी को अकेले हरा के चला जाएगा। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो शॉर्ट कोट जो होता है वो आर्मी में, पुलिस वर्क में या फिर बॉर्डर पेट्रोलिंग में जब कोई डॉग्स यूज़ करते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद आता है आपका प्लश कोट, जिसका मैंने बताया कि लगभग 2 इंच के आसपास डॉग के हेयर की लेंथ होती है। एंड इस तरह के डॉग्स को नॉर्मली फैमिलीज़ वगैरह में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो इनका जो कोट होता है, इनका जो फर होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है एंड थोड़ा सा फ्लफ़ी सा होता है, एंड उसको टच करने में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, टेडी बियर टाइप की फील आती है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट जो प्लश कोट होता है या जो मीडियम कोट होता है वो वाले डॉग्स थोड़े से कम फंक्शनल होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ऑब्वियसली ये एक लॉजिकल बात है कि अगर आप ऐसे डॉग्स को अगर आर्मी में यूज़ करते हैं, पुलिस में यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपके डॉग को पानी में से होकर निकलना है, वो भीग जाता है, तो ऐसे डॉग को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बालों को उसको वो बहुत जल्दी उसकी बॉडी हीटअप हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने डॉग को फैमिली में रखते हैं और उसके बाद आप उससे प्रोटेक्शन वर्क भी कराते हैं पार्क में ले जाके या कुछ इस तरह के से, तो वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, तो आप इस तरह के डॉग को भी प्रेफर कर सकते हैं। एंड इसके बाद फाइनली जो लास्ट कोट होता है वो होता है लॉन्ग हेयर्ड जर्मन शेपर्ड या फिर लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड, जिनके हेयर की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एंड रिसेंटली इस तरह के जो डॉग्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस तरह के डॉग्स को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ, बट हाँ अगर आपका डॉग एक वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड है तो वो लॉन्ग हेयर में भी कभी कभी वर्किंग लाइन में भी एक लॉन्ग हेयर्ड जर्मन शेपर्ड्स देखने को मिलते हैं एंड वो इक्वली फंक्शनल होते हैं। बट ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर्ड जो डॉग्स होते हैं उनको प्रेफर नहीं करता हूँ। बट हाँ अगर आप एक किसी हिली एरिया में रहते हैं, जैसे आप किसी पहाड़ी एरिया में रहते हैं इंडिया में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या आप कहीं नेपाल वगैरह की साइड में रहते हैं जहाँ पे कि वेदर ज़्यादातर काफ़ी ठंडा रहता है, सो ऐसे रीजन्स में रहने वाले जो लोग हैं वो एक लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड को भी रख सकते हैं। एंड ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा डॉग के लिए, क्योंकि उस लंबे कोट जो लॉन्ग कोट होगा वो डॉग को सर्दी से बचाएगा एंड उसकी जो विंटर्स को टॉलरेट करने की कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली थोड़ी हाई होगी अगर हम इसको शॉर्ट कोटेड या प्लश कोट या मीडियम कोटेड जर्मन शेपर्ड से कंपेयर करें। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो शॉर्ट कोटेड या प्लश कोट हैं वो हीट को या सॉरी वो विंटर को या ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उनके पास भी एक अंडर कोट होता है जो कि विंटर्स में ग्रो होता है जनरली। सो दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस कि मैं डॉग्स को थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शनल वे में प्रेफर करता हूँ, उनको छोटे बालों में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इनफैक्ट अगर प्लश कोट भी हो दैट इज़ ऑल्सो ओके। एंड फाइनली एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये जो लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड हैं ये अचानक से इतने ज़्यादा कैसे प्रमोट होने लगे, इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि जो ब्रीडर्स होते हैं उनको जो पपीज सेल करने से उनको मेनली मतलब रहता है। एंड जो लॉन्ग कोटेड जर्मन शेपर्ड होते हैं वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी से, काफ़ी मोटे मोटे और हेल्दी से देखने में लगते हैं, एंड ऐसे में ब्रीडर के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है अपने पपी को सेल करना। वो अपने जो बायर्स होते हैं उनको ये कहते हैं कि ये देखिए कितना हैवी बोन डॉग है और ये बड़ी अच्छी ब्रीडिंग का डॉग है, चैम्पियन डॉग है। सो ये सारी बातें बिल्कुल झूठ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपके डॉग के बाल थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं तो वो देखने में लगेगा कि हाँ उसके जो पॉज हैं वो काफ़ी हैवी हैं एंड उनकी जो बॉडी है काफ़ी अच्छी हैवी बॉडी है उनकी। बट आपको क्या करना है, आप जब भी पपी लेते हैं तो आपको डॉग के जो एक्टिविटी लेवल है उसको चेक करना है। अगर आपका डॉग के अंदर हाई फूड ड्राइव है, हाई प्रे ड्राइव है एंड काफ़ी एक्टिव है एंड उसके पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे हेल्दी एंड एक्टिव डॉग्स हैं, तभी आपको एक पपी को पिक करना है। नाउ मेरे पास जो डॉग है जो काइज़र है वो एक शॉर्ट कोटेड जर्मन शेपर्ड है, लेकिन मैं आपके साथ एक ये बचपन की इसकी एक फ़ोटो शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो इसके जो पॉज हैं कितने हैवी हैं।
सो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी पपी लेने जाएं और आपका जो ब्रीडर है या फिर कोई भी रूफ टॉप ब्रीडर है जो आपको अगर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, तो आप उसको सिंपली पलट के आप बोल सकते हैं कि भाई हम इस बेसिस पे तो हम पपी बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, हम पपी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं उनका एक्टिविटी लेवल कैसा है, वो कितने प्लेफुल हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं अगर उनको किसी अलग सिचुएशन में किसी नई जगह पर ले जाया जाता है, तो उस बेसिस पे हम पपीज़ को सेलेक्ट करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को ज़रूर मिली होगी, एंड अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।